तो क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तुर्की, बांग्लादेश या मलेशिया में जो तरक्याती मॉडल इख्तियार किए गए उसको अपनाने की कोशिश कर रही है या सोच रही है? पाकिस्तान उचित बांग्लादेश, तुरस्क किंबा মালয়েশিয়ার উন্নয়নের মডেল ফলো করা। গত 15 বছরে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি চায় পাকিস্তানও মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাক, তাহলে বাংলাদেশ ও তুরস্ক কিংবা মালয়েশিয়ার উন্নয়নের মডেল ফলো করতে হবে পাকিস্তানকে। না, এই কথাগুলো আমার নয়, বরং পাকিস্তানের প্রবীণ সাংবাদিকের। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করে বলেছেন, দান ভিক্ষা থেকে মুক্তি পেতে পাকিস্তানেরও প্রয়োজন এরদোগান, শেখ হাসিনা কিংবা মাহাতির মোহাম্মদের মতো প্রধানমন্ত্রীর, যারা শক্ত হাতে দেশের হাল ধরে স্থিতিশীলতা এনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নজর দিবে। পাকিস্তানি এই প্রবীণ সাংবাদিক কিভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে মিনতি করছে শেখ হাসিনার মতো প্রধানমন্ত্রীর জন্য, সেটাই দেখব বিডিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। বাংলাদেশ আর তুর্কি কে তরক্কিয়াতি মডেল হ্যায়, জিস আন্দাজ মে তুর্কি নে 2002 से रजब तैयब अर्दोगान की क्यादत में तरक्की की है, G20 का भी मेंबर बना है, दुनिया की हर चीज वहां पे बनती है, मुश्किल हालात के बावजूद वो G20 का मेंबर है और नेटो का भी उसकी रुकनियत हासिल है। लेकिन यह कि एक मर्द आहान है, यानी तैयब अर्दोगान अपोजिशन का उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है नेशनल लेवल पे, और एक ही पार्टी है AKP यानी जस्टिस पार्टी, और वो हर जगह कामयाबी हासिल करती जा रही है, और दुनिया भर के लीडर अर्दोगान के साथ उनके सख्त कौमी ख्यालात नेशनलिस्ट ख्यालात के बावजूद उनके साथ मुजाकरात भी कर रहे हैं। दूसरी मिसाल बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी गुज़िश्ता 15 वर्षों से हसीना वाजिद बैठी हैं, उन्होंने बिल्कुल तरक्की का एक फोकस रखा हुआ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बिल्कुल एक नंबर 1 प्रायोरिटी दे रखी है, उसी की बदौलत इस साल बांग्लादेश की बरामदात $50 अरब तक पहुंच गई है, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि जितनी भी मुल्क के अंदर पैदावार होनी है, जितनी हमने एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए तमाम लवाजमात पूरे करने हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे सनतकार अपनी सनत बांग्लादेश में कायम कर चुके हैं, क्योंकि एक दफा जब सनत कायम हो जाती है फिर उनसे कोई छेड़छाड़ कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसी जैसे मुत्तहदा अरब अमारात में भी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की गई है, वहां तो बल्कि एक मिनिस्ट्री है खुशी के लिए, खुशहाली जो कहते हैं मिनिस्ट्री फॉर हैप्पीनेस, वो भी एक वजारत है वहां पे कलहदा से, लेकिन उसे कत नजर UAE में, कतर में, बहरीन में जो तरक्की हुई है उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वहां पे मर्द आहान बैठे हुए, उन्होंने अपनी तरजीहात का तायुन किया, गैर मुल्की कंसल्टेंट्स को लेके आए, अपने तमाम निजाम को उन्होंने जदीद बनाया, और आप देखिए कि सहरा में उन्होंने नखलिस्तान बना लिया, सहरा को उन्होंने एक मैग्नेट बना लिया है पूरी दुनिया के लिए। तो यही कुछ हुआ है बांग्लादेश में, जहां पे हर साल सैलाब आते हैं, गुर्बत है, लेकिन $50 अरब से जायद उस मुल्क की बरामदात हैं जो कि कॉटन इंपोर्ट करता है। हम कॉटन कपास यहां पे पैदा करते हैं, उसके बावजूद हमारी बरामदात तमाम तरकोशों के बावजूद $30 अरब से ज्यादा नहीं जा सकी है। तो इस मौके पर सवाल यह है कि क्या वो एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को की तरक्की चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट के वो हिस्से जो वाकईतन पाकिस्तान को जदीद तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं, क्या उनकी नजर में तुर्की का, बांग्लादेश का और मलेशिया का तरक्याती मॉडल है? मलेशिया में भी महातिर मोहम्मद ने अपने पहले दौर में 20-25 साल हुक्मरानी की और मलेशिया को तरक्की से हमकिनार करवाया, तो क्या उनकी नजर में वो मॉडल है जहां पर एक मर्द आहन चाहिए आपको जो कि मुसलसल एक फोकस रखे, एक पॉलिसी इख्तियार करके और उसको परसू करे? तो क्या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी तुर्की, बांग्लादेश या मलेशिया में जो तरक्याती मॉडल इख्तियार किए गए उसको अपनाने की कोशिश कर रही है या सोच रही है, यानी एक मर्द आहन के जरिए तमाम निजाम को चलाया जाए जहां पे फैसले एक बंदा करे और उस पर अमल दरामद मुकम्मल यकसुई के साथ हो सके? माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना सठीक और दूरदर्शी नेतृत्व बांग्लादेश आज एशिया टाइगर हर पथे, भावते अबक लागे। 4 থেকে 5 বছর আগে পাকিস্তানি মিডিয়ায় শেখ হাসিনাকে নিয়ে আলোচনা হলেই তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গালিগালাজ করত। সেই ভিডিওগুলো আমাদের এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আজ তারাই শেখ হাসিনার মতো দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছে পাকিস্তানের জন্য। তারা বলছে গণতন্ত্রের দরকার নেই, আমাদের শেখ হাসিনা ও এরদোগানের মতো প্রধানমন্ত্রীর দরকার। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের।
সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে দিতে পারেন লাইক, আর ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।